हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, हमने हमारी सोडा बोतल फिलिंग प्लांट की बहुत सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल में डाले हैं और हम कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव लेके आते हैं। तो दोस्तों, आज वैसे ही एक स्पेशल मॉडल सोडा बोतल फिलिंग प्लांट का न्यू 2022 का कॉन्सेप्ट लेके आए हो। दोस्तों, ये टोटली नया मॉडल है, फर्स्ट टाइम हम इसको लॉन्च कर रहे हैं मार्केट के अंदर। दोस्तों, ये वीडियो हम डाल रहे हैं इसलिए 2022 का आज दोस्तों 8वां महीना है, 2 तारीख है, 2 अगस्त 2022 का दिन के दिन हम इसको मशीन को लॉन्च कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मशीन है। दोस्तों, 1 घंटे में 550 से 600 बोतल का कैपेसिटी है, प्लस प्रोग्रामिंग सिस्टम डाला हुआ है, 7 इंच का डिस्प्ले डाला है। आप देख सकते हैं दोस्तों, 7 इंच की प्रोग्रामिंग डिस्प्ले डाली हुई है, प्लस इसके अंदर दोस्तों डबल चिल्लर सिस्टम डाला हुआ है हमने, डबल कार्बोनेट, डबल मोटर, डबल पंपिंग सिस्टम डाला हुआ है और बूस्टर क्वालिटी सोडा सिस्टम डाला हुआ है, जो बूस्टिंग करने के लिए, सोडा का पावर बढ़ाने के लिए बूस्टर सिस्टम आता है, वो प्रोग्रामिंग सिस्टम हमने इसमें यूज किया हुआ है। टोटली स्टेनलेस स्टील से ऊपर बनाई हुई 1 यूनिट 1 सेटअप मशीन है। दोस्तों, इसको एक ही मशीन के अंदर से पूरा सिस्टम बन के कंप्लीट होकर सोडा बाहर निकलता है। दोस्तों, प्लस ये प्रोग्रामिंग सिस्टम का कारण, रीजन क्या है दोस्तों, ये प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर टोटली चीज मेजरमेंट होती है। आपको 20 ml का बोतल भरना है या आपको 5 लीटर का बोतल भरना है, 1 टाइम सेट करना है, प्लस मशीन में से कितना बोतल का प्रोडक्शन निकला, कितना बोतल का प्रोडक्शन निकलना बाकी है, मशीन के अंदर कितना टेम्परेचर डिग्री है, कितना टेम्परेचर अप है, कितना डाउन है, सभी सिस्टम है डिस्प्ले के अंदर आपको टोटली शो करता है। प्लस यहाँ पे अभी वर्किंग मशीन हमारा वर्किंग चालू है, -9 का टेम्परेचर है। दोस्तों, इस तरह का -9, -10, -15 टेम्परेचर का आपने मार्केट में कहीं पे भी टेम्परेचर नहीं देखा होगा। हमारी मशीन -9.2 के ऊपर चल रही है, दोनों चिल्लर चल रहे हैं दोस्तों, एक ही चिल्लर नहीं, दोनों चिल्लर चल रहे हैं -9 के ऊपर दोस्तों। प्लस मशीन के अंदर हमने दोस्तों 2+2 मतलब 2 सोडा 2 फ्लेवर और दोनों साइड पे कैपिंग मशीन लगाया दोस्तों, एक ही समय के अंदर 2 आदमी अलग अलग प्रोडक्शन कर सकते हैं। मशीन की कैपेसिटी 1 घंटे में 550 से 600 बोतल बनाने की कैपेसिटी है। इस टाइप की 200 ml की आप 550 से 600 बोतल इसके अंदर से बना सकते हो। एक बोतल बनाने का खर्चा ₹4.80 से ₹5 तक आपको लैंडिंग गिरता है, कंप्लीट बंच पैकिंग के साथ में 24 पीस का बंच बनाते हो तब तक आपको ₹5 तक का एक बोतल गिरता है। घर में, बाजार में आप ₹8 में आराम से इसको सेल कर सकते हैं। मशीन की सिस्टम और फंक्शन आपको दोस्तों बताता हूं, आप पीछे से थोड़ा बता देते हैं आपको। ये आप देख सकते हैं इसमें ऑनलाइन चिलर हमने ऑलरेडी डाला हुआ है यहाँ पे, ये ऑनलाइन चिलर है, 150 लीटर का ऑनलाइन चिलर डाला है, प्लस डबल कार्बोनेट डाला है इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल कार्बोनेटिंग सिस्टम डाला हुआ है इसके अंदर हमने, एक कार्बोनेट पंपिंग सिस्टम यहाँ पे, एक कार्बोनेट पंपिंग सिस्टम दूसरी साइड पे, प्लस दोनों मोटर डाला हुआ है यहाँ पे। ये ऑनलाइन चिलर है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे स्टोर चिलर है, जो आपका बोतल पानी पीने में यूज होता है, इसका स्टोर चिलर यहाँ पे हमने डाला है, आप देख सकते हैं। इसमें पानी के अलावा कोई स्टील का पाइप, कोई कार्बोनेट है, कोई कॉपर का पाइप, कोई नट, कोई निप्पल, ऐसा कोई भी चीज इसमें डाला नहीं। आप देख सकते हैं कितना टेम्परेचर आ रहा है, चारों साइड कोने में देख सकते हैं आप पूरा, ये सब बर्फ की पाटे जम चुकी है यहाँ पे, आप देखिए पूरा कितना आइस जमा है। इसके अंदर सिर्फ हमने पानी का पंप डाला हुआ है, जो पानी को सर्कुलेशन, पानी को घुमा रहा है, जो पानी को, वो पानी का पंप डाला है हमने इसके अंदर, और कोई भी चीज ड्रिंकिंग वाटर में नहीं है। जो आपका बोतल ड्रिंकिंग होने के लिए जाता है, ये पानी पीने का बोतल है, इसके अंदर कोई भी अंदर सामान डूबा हुआ नहीं। अगर कोई भी सामान डूबा हुआ रहेगा तो उससे पॉइजन हो जाएगा, क्योंकि पीने का ड्रिंकिंग में कोई भी पाइपिंग सिस्टम डूबा हुआ नहीं होना चाहिए, उससे होता है पॉइजन। इसलिए हमने हमारी वो चीज पूरी काळजी रखी है कि हमारा कस्टमर जो भी मशीन हमसे खरीदते उनको परफेक्ट वाला चीज मिलना चाहिए, उसको कोई आगे जाके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम या परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आपको इसमें से एक 200 ml का बोतल का प्रोडक्शन करके बताता हूं दोस्तों कि इसमें से बोतल का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। इस टाइप का खाली बोतल रहता है, बोतल भरने के लिए खाली बोतल रहेगा इस टाइप का, आपको पहले यहां से सोडा फिलअप करना है। इसमें से आप पहले सोडा फिलअप करेंगे, सोडा फिल हो रहा है आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने जीरा मसाला का फ्लेवर फिलअप करना है, जीरा का फ्लेवर है यहाँ पे, जीरा मसाला का फ्लेवर फिलअप हो रहा है, ये जीरा का फ्लेवर फिल हो चुका है। प्लस यहाँ पे कैपिंग है, बोतल कैप करने के लिए कैपिंग मशीन है, इसमें आपको कैप लगा देना है, इसे कैप फिल करने के लिए कैप लगा देना है इसको, यहाँ पे आपको इसको आपको कैपिंग करना है, ऐसे आप देख सकते हैं, ये आपका कैपिंग हो गया तैयार।
इसमें स्टिकर लगाओ और डेट लगाओ और बाजार में सेल करो, स्टिकर लगाओ डेट लगाओ और बाजार में सेल करो दोस्तों। वही हिसाब से दूसरी साइड हमने ऑरेंज का फ्लेवर फील करके रखा हुआ है, यहाँ से हम ऑरेंज का फ्लेवर निकालेंगे। पहले सोडा फील हुआ, उसके बाद यहाँ पे ऑरेंज का फ्लेवर है, ये ऑरेंज का फ्लेवर फील हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कैपिंग का बाउल यहाँ पे भी दिया है, दूसरा आदमी जो वर्क करेगा उसके लिए यहाँ पे कैपिंग दिया है, उसको आपको ऐसे कैपिंग लगा देना है। एक कैपिंग लग चुका है। अभी सोडा का क्वालिटी आपको देखना है कि सोडा का क्वालिटी बूस्टर सिस्टम कैसा होता है, क्या क्वालिटी, किसको सोडा का क्वालिटी बोला जाता है। मैं आपको सोडा का क्वालिटी बताता हूँ दोस्तों कि क्या क्वालिटी है। सादा सोडा भरा है, प्लेन सोडा। यहाँ पे मैं बोतल नीचे डाल के दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप पूरा इसका उबाल देखिए दोस्तों, इसका बबल्स जो आ रहा है आप उबाल देख सकते हैं, कितना पावर और कितना स्ट्रांगनेस आ रहा है इस उबाल इसका। वही हिसाब से दूसरे साइड से भी आपको निकाल के इसमें से बताएंगे सोडा का क्वालिटी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वालिटी, देख सकते हैं आप यहाँ पे। वही हिसाब से हमने अभी जीरा का जो फ्लेवर भरा है वो भी मैं आपको खोल के बताता हूँ, उसका क्वालिटी आप देख सकते हैं। आप देखिए कितना बबल्स और उबार आ रहा है इसके अंदर, आप देखिए ये जीरा मसाला का जो फ्लेवर अभी हमने फिलअप किया है। और दोस्तों मशीन पूरी स्टेनलेस स्टील से बनाई गई है, कोई भी जगह लोहा एमएस या कुछ भी यूज नहीं किया है। ये मशीन के अंदर से आप दोस्तों 20 एमएल से लेके 2 लीटर तक, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर तक का बोतल भर सकते हो। वन टाइम यहाँ से आपको सेट करना है कि आपको कितना एमएल का सोडा चाहिए, कितना एमएल सिरप चाहिए। वन टाइम यहाँ से डिस्प्ले में आपको सेट करके छोड़ देना है, बटन दबाएंगे जितना आपने सेट किया है उतना ही सोडा गिरेगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभी बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, वही हिसाब से आपको जितना सोडा चाहिए उतना ही सोडा गिरेगा इसके अंदर से। प्लस आपका स्पीड अगर कम ज्यादा है, अगर आप बड़ा बोतल 600 ml 1.25 लीटर का भरते हो, स्पीड को बढ़ाना है तो यहाँ से आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हो। इसका लेवल भी दिया है बढ़ाने के लिए, आप देख सकते हैं ये स्पीड बढ़ रहा है इसका। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड कितना बढ़ाना है, कितना कम करना है, आप अपने हाथ से इसको मैन्युअली सेट कर सकते हो कि आपको स्पीड कितना बढ़ाना है इसका, आप देख सकते हैं। ये अभी हम इसको नया नया कोई भी प्रोडक्शन होता है तो स्पीड इसका कम रखा जाता है, जब आपका प्रोडक्शन काम बढ़ता है तो आप उसको प्रोडक्शन हाई कर सकते हो इसके अंदर। तो दोस्तों 2022 की लेटेस्ट कम बजट की लो बजट वाली मशीन है। इस तरह की बेहतरीन क्वालिटी की मशीन के लिए डॉल्फिन अप्लायंस में एक बार जरूर कॉन्टेक्ट करे। हमारी कंपनी दोस्तों आपको पूरा पैकेज देती है, खाली मशीन नहीं मिलती है, कंप्लीट मशीन है इसका। आरओ प्लांट है, बोतल वॉशर है, फ्लेवर मिक्सचर मशीन है, हॉट गन है, स्टैंपिंग है, 15,000 बोतल का फ्लेवर है, पूरी मशीन की पैकिंग है और ऑल ओवर इंडिया पे हमारी टीम आके पूरा इंस्टॉलेशन ट्रेनिंग देके जाते हैं आपके सर में। आपको खाली ट्रांसपोर्टेशन जो भी चार्ज है वो एक्स्ट्रा पेड करना है दोस्तों। प्लस इसका फूड लाइसेंस कहाँ से लेना है, इसका स्टिकर कहाँ पे बनाना है, डिजाइनिंग कहाँ बनाना है, टोटली हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि हर एक चीज आपको रेडीमेड करके देवे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह की बेहतरीन क्वालिटी की मशीन के लिए ज्यादा जानकारी, ज्यादा डिटेल्स के लिए एक बार डॉल्फिन अप्लायंस में जरूर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू।